दोस्तों हेलो एंड वेलकम बैक हमारे प्यारे दोस्तों। आज दोबारा से खेलने जा रहे कार सेलर सिमुलेटर डीलरशिप गेम। एंड आप लोगों को याद ही होगा पिछले वाले एपिसोड का ना, हमने ये पोर्शे कार को परचेस किया था कार मार्केट से, और इस पोर्शे कार लेके ड्रैग रेस के अंदर से जीता था ये वाला पोर्शे कार, और इसको हम लोग मॉडिफाई करने के लिए एंड रिपेयर करने के लिए लेके आए गए थे इधर से रिपेयर शॉप पर। बट इधर से अंधेरा हो गया, तो इसलिए जो एम्प्लॉय है सब भाग चुका है, मतलब ये बंद करके भाग चुका है। तो इसलिए अभी रात हो चुका है, हमको जाना पड़ेगा सोने के लिए। बट गेम के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ चुका है, और इस अपडेट के बाद गेम का लुक थोड़ा बहुत चेंज कर चुका है। जैसे हम लोग इधर से कार के अंदर ड्राइव करने के लिए बैठते हैं, तो इधर से स्पीडोमीटर देख सकते हो पूरा साइड कोने में दे चुका है, और इधर से कुछ कुछ बटन इधर उधर मूव किया है, और देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, लुक इंटरफेस काफी सारा चेंज हो चुका है। बट अभी तक ऑफिस एडिट मोड ऐड नहीं हुआ, मतलब कमिंग सून दिखा चुका है, और एक भाई ने भी हमको कमेंट किया था, उसके बाद हम गेम को अपडेट किया। और इधर हम लोग चलते तो ये सब चीज भी चेंज कर चुका है, लैपटॉप के अंदर चलेंगे तो इधर से ऑफिस एडिट मोड लिखा रहा है बट कमिंग सून लिखा रहा है। नेक्स्ट अपडेट के अंदर ये ऐड होने वाला है, और उसके बाद हम लोग ऑफिस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जल्दी चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे कार ऑक्शन ओपन हो सकता है, क्योंकि आज मंडे है। कार ऑक्शन के अंदर काफी टाइम से हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ रेयर कार परचेस करने की सोच रहे जो मिले तो, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी सारा पैसा है $5 लाख के आसपास, और काफ़ी सारा कार भी अभी हमारा शोरूम पर रखा हुआ है, वो सबको भी सेल करना पड़ेगा। उसके बाद तो हमारे पास और भी काफ़ी सारा कार आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, अभी जल्दी भाग के चलते हैं सोने के लिए नेबरहुड पर। ओके फाइनली हम इधर आ चुके हैं सोने के लिए, और अभी चलते हैं सो जाते हैं। और हमारा जो अभी डे हो चुका है 75 डे हो चुका है इस गेम के अंदर, और अभी तक हमको निसान जीटीआर नहीं मिला कार ऑक्शन से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुका है, और जल्दी भाग के चलते हैं थोड़ा कार मार्केट। अभी कार मार्केट ओपन है, तो कार ऑक्शन ओपन नहीं है, तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत घूम लेते हैं इधर से कौन सा। इधर से एक सुप्रा आ चुका है, ओके, इसको हम थोड़ा परचेस कर लेते हैं, देखते हैं इसका प्राइस कितना आ रहा है। 20% डैमेज है, 59,000 के अंदर आ रहा है, तो सही प्राइस के अंदर इधर से दे रहा है, तो अभी इसको हम बार्गेनिंग के अंदर चलते हैं, और थोड़ा बहुत इसको 45 के अंदर ऑफर करके देखते हैं। पहले ऑफर करते हैं 45,000, इतना में दे देना चाहिए इस भाई साहब को, तो देखते भाई साहब देता है कि नहीं। बट नहीं भाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है भाई आप इसको जल्दी से दे दो 49,000 का, इतना मैं आपको दे देना चाहिए भाई, दे दो। ओके फाइनली दे चुका है। चलो हम इसको भी हम टो कर सकते हैं, बट टो का कोई भी स्लॉट इधर से अनलॉक नहीं है, मतलब फुल पूरा स्लॉट बुक हो चुका है, रिपेयर शॉप पर भी खाली नहीं है, और हमारा शोरूम का भी स्लॉट खाली नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा ड्राइव करके बाहर लेके चलते हैं, मतलब बाहर मतलब इस रोड के साइड एंड इधर प्लेस कर देंगे। तो इधर हमने जल्दी मतलब पार्क कर दिया, और जब आऊँगा तब इसको मतलब टो कर दूंगा। गेम लैग क्यों हो रहा है पता नहीं यार, आप लोगों का गेम लैग हो रहा है या नहीं कमेंट कर देना, और लैग हो रहा है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत सॉल्यूशन लेके आऊँगा, मतलब हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा मोबाइल के अंदर, तो ये जो लैग है लैग प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। बट उससे पहले काफ़ी सारा फ्रेंड कमेंट किया है, जो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम बोले थे कि जो भी फ्रेंड कमेंट करेगा उसको शाउट आउट मिलेगा, तो ये सभी भाई को शाउट आउट दे देता है। तो सबसे पहला जो शाउट आउट जा रहा है SS गेमिंग भाई को, ये भाई कमेंट किया कि भाई आपने न्यू अपडेट इंस्टॉल नहीं किया, उसमें बिल्डिंग एडिट मोड जो है वो ऐड हो चुका है, बट अभी तक वो कमिंग सून लिखा रहा है, यही बोलना चाह रहा था ये भाई। तो और कोई भी फ्रेंड वीडियो के अंदर कमेंट नहीं किया, तो एक भाई ने ही कमेंट किया था, तो इसलिए इस भाई को शाउट आउट मिल गया। तो आप लोग भी ऐसे शाउट आउट पाना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो, डेली पार वीडियो के अंदर हमने 3 फ्रेंड को शाउट आउट देने वाला है, तो जल्दी कमेंट करो, और भर भर के कमेंट करो, कुछ अच्छा कमेंट करना तो सबको मिलेगा शाउट आउट। तो अभी जल्दी भाग के चलते हैं कार मार्केट पर, बट कार मार्केट में नहीं जाऊंगा, कार रिपेयर शॉप पर जाऊंगा, और उधर से जो 2 कार है उसको रिपेयर करूंगा। ओके कार भागते आ चुका है रिपेयर शॉप पर, और भाई साहब इसको रिपेयर कर दो, बट ये सब कार तो रिपेयर ऑलरेडी है, और इधर से बीटल जो रखा हुआ है ये भी ऑलरेडी रिपेयर है क्या? हाँ ये दोनों ही रिपेयर है, मतलब हमारा जो शोरूम पर स्लॉट खाली नहीं था तो इसलिए इधर टो कर दिया था, तो कोई बात नहीं। अभी चलते हैं शोरूम पर, जितना भी कार है उधर से कुछ कार को सेल करते हैं, उसके बाद हम ये सब कार को टो कर पाएंगे। जैसे हमारे पास फरारी का 3, 4, 5 मॉडल है भाई साहब, कितना सारा मॉडल है, तो इधर से हम पार्क कर दिया। अभी ये वाला जो फरारी है, फरारी XXX वाला मॉडल, इसको हम रखने वाले हैं, बट इधर से ए फरारी को रखेंगे, और इधर से ए फरारी को, उधर से और एक फरारी, इधर से एक मस्टैंग, और एक मस्टैंग उधर, एक उधर मतलब
जो कार ऑक्शन पर हमने जीता था उधर एक मास्टैंग है और इसके अंदर एक फरारी है, तो ये सब का हम सेल करने वाले हैं। टोटल 3 फरारी को सेल करेंगे और मास्टैंग के अंदर से 1 मास्टैंग को सेल कर देंगे। ऑफिस को ऑन करते हैं और थोड़ा ड्रैग रेसिंग के अंदर से भी घूम के आएंगे, क्योंकि उधर से कोई अच्छा वाला कार आ चुका है तो उसके साथ थोड़ा रेस कर लेंगे। और उससे पहले ये सब कार को सेल करना जरूरी है। और अभी 2 बज चुका है तो हाथ में काफ़ी टाइम है और अभी हमारे पास काफ़ी सारा पैसा भी है और हमको थोड़ा बहुत स्किल पॉइंट अनलॉक करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी हमारे पास 1 स्किल पॉइंट आ चुका है उसको हम जल्दी अनलॉक कर लेंगे। तो कौन सा अनलॉक किया जाए वो थोड़ा चेक करेंगे, पर उससे पहले ये सब कार को जल्दी जल्दी पार्क करते हैं। ओके, 2 फरारी और 1 सुप्रा को हमने इधर रख दिया हूँ, अच्छे से प्लेस कर दिया हूँ। और 1 फरारी को हम इधर रख सकते हैं क्या, कौन सा फरारी है कि नहीं, ये सब फरारी नहीं, उधर से एक मस्टैंग है उसको हम रख देंगे। ओके, कार ऑक्शन से हम इसको भी लेके आ चुके हैं और हमारे पास अभी 4 कार हो चुका है, जो ये चारों को चारों सेल करना पड़ेगा। और हमारे पास अभी 4 कार रहने वाला है, 1 फोर्से रहने वाला है और इधर से 1 फरारी का XXX वाला मॉडल और इधर से 1 नॉर्मल फरारी और इधर से मास्टैंग भी रहने वाला है। और उधर से हमारा कार रिपेयर शॉप पर भी 2 कार रखा हुआ है, जो विटेल एग है और 1 फोर्से है, तो 4 से को भी हम सेल कर देंगे। और उससे पहले ये सब कार को जल्दी से सेल पर लगाते हैं। और अभी 6:30 बज चुका है, मतलब 6 बजने वाला है, तो आज हमको लग रहा है कि ये सब कार सेल नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, इधर से हम सेल पर तो लगा देते हैं ना। हमारे पास जितना भी कार है, 1 फरारी का ये वाला मॉडल, इसको हम सेल पर लगा देते हैं। ये कितना में सेल होगा, कितना में सेल हो सकता है पता नहीं, बट हम इसको लगाते हैं 1 मिलियन के अंदर लगा देते हैं, देखते हैं कितना में सेल होगा। और पुट इट सेल लग चुका है फाइनली, और चल इधर से नहीं हट रहा है वो, ये चीज़ किया है। मतलब पहले क्या होता था, जब हम लोग इधर से लगा देते थे हट जाता था, बट इधर से नहीं हट रहा है पेज, मतलब उधर से रुक जा रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं। इधर से और 1 फरारी का मॉडल है और इसको भी हम लगा देते हैं 1 मिलियन के अंदर, एंड 1 मिलियन भी हो चुका है, पुट इट सेल। उसके बाद फिर से होम चलते हैं। इधर से और 1 कांसा है, मस्टैंग है, इसको हम लगाते हैं 5 लाख के अंदर। कितने में सेल होगा पता नहीं, जो मस्टैंग हमको लग रही है कि पहले हमने सेल नहीं किया, बट कोई बात नहीं, इसको हम 5 लाख के अंदर लगा देते हैं। 5 लाख के अंदर लग चुका है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है सुप्रा, तो सुप्रा को ऑलरेडी 1 लाख के अंदर सेल हो जाता है, तो इसको हमने 4 लाख के अंदर लगाएंगे या 3 लाख के अंदर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसको 4 लाख के अंदर लगा देंगे। तो लगा चुका है 4 लाख के अंदर, एंड इसको भी सेल पर लगा दिया हूँ। तो टोटल 4 कार हमने सेल पर लगा दिया, और कौन सा कार सेल पर लगाना बाकी है, और कोई नहीं। और अभी 7:30 बज चुका है, अंधेरा होने वाला है, तो अभी जल्दी भाग के चलते हैं ड्रैग रेसिंग पर, देखते हैं ड्रैग रेसिंग पर कौन सा कार आ चुका है। और उससे पहले ये सब कार को इधर से हटाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कार हम लोग टो नहीं कर पाएंगे इधर से हमारा शोरूम के सामने। A few moments later. ओके, हम सभी कार को अच्छे से प्लेस कर दो इधर से हमारा शोरूम के अंदर, और उससे पहले शोरूम का बंद करते हैं इधर से, और अभी जल्दी भाग के चलते हैं ड्रैग रेसिंग पर। तो हम 4 कार को लेके ही जाने वाले हैं, हो सकते हैं 4 कार आ चुका है, उसके बाद हम वेट करेंगे वेट इस कार। ओके, हम फाइनली आ चुके हैं ड्रैग रेसिंग पर, और फाइनली इधर से और 1 4 से आ चुका है, जो इसके साथ हम वेट इस कार खेलने वाले हैं, और फाइनली वेट इस कार भी लग रहा है, तो इसके साथ रेस कार। ओके, फाइनली वेट इस कार लगने वाला है 4 से वर्सेस 4 से, तो हमारा जो 4 से फुल मॉडिफाई है और हमारे पास सबसे बेस्ट ट्रिक है ड्रैग रेस के अंदर जीतने का। तो आप लोग को अभी तक पता नहीं है तो ये वाला वीडियो जाकर देख लो, हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। चलो फाइनली ड्रैग रेसिंग स्टार्ट होने वाला है, इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा चेंज किया है, और अभी हमको गियर अप करना पड़ेगा, वो हम थोड़ा लेट किया गियर अप करने की, बट हम फाइनली जीत भी जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, फाइनली हम जीत भी चुके हैं और हमारा जो 4 से बहुत फास्ट है, फुल्ली मॉडिफाई है, उसके बाद हमारे पास सबसे बेस्ट ट्रिक है, तो इसलिए हम बहुत ही आसानी से ये वाला ड्रैग रेस जीत चुके हैं। अभी टो का सिस्टम फुल्ली चेंज किया है, हमने टो कर दिया, और अभी जल्दी चलता है नेवर रोड पर, हमारा जो छोटा सा एक घर है जो हमने परचेस किया था उसके अंदर जल्दी सोते हैं, एंड नेक्स्ट डे देखते हैं कार ऑक्शन ओपन होता है कि नहीं। क्योंकि कार ऑक्शन के अंदर हमको जो है निसान जीटीआर, काफ़ी दिन से हमने ट्राई किया था कार ऑक्शन के अंदर, एक बार भी हमको निसान जीटीआर नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। फाइनली फिर से आ चुका है भागते भागते सोने के लिए, और काफी रात भी हो चुका है, तो जल्दी से सोते हैं। गुड मॉर्निंग, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी फाइनली कार ऑक्शन ओपन होने वाला है 2 बजे, तो 2 बजे हम कार ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उससे पहले हमारे पास जितना भी कार है उसको सेल करना पड़ेगा, और गेम इतना ज्यादा लैग हो रहा है यार, क्या बताओ यार, खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है। और इधर से 1 सुप्रा है और उधर से 1 सुप्रा है ना, उसको हम जल्दी टो कर देते हैं हमारा शोरूम के सामने, बट नहीं नहीं ये डैमेज बहुत ज्यादा है, इसको हम रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर शॉप पर टो करना सही है, बट रिपेयर शॉप पर टो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उधर से हमारा जो 2 कार है ऑलरेडी बुक है, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा उधर से, उसके बाद ही हम जितना भी कार रिपेयर की जरूरत है उसको हम लोग टो कर सकते हैं। इधर से 1 सुप्रा है,
तो हम सुप्रा का भी परचेज नहीं करने वाले, जल्दी भाग के चलते हैं और जितना भी कार हमारा सेल पर लगा हुआ है वो सबको सेल करते हैं। 2000 years later. ओके फाइनली हम आ चुके हैं हमारा शोरूम पर और अभी हम जल्दी से शोरूम को ओपन करते हैं और हो सकता है अभी जल्दी जल्दी कार सेल हो जाए। काफी सारा कार सेल पर लगा हुआ है, टोटल 4 कार। उससे पहले थोड़ा घूम के आते हैं कार ऑक्शन का अंदर कौन सा कार ऐड हो चुका है। चलो हम इधर से देखते हैं। पहली कार एक कौन सा कार है, ये कौन सा कार है, ये कौन सा कार है, आई डोंट नो यार कौन सा कार है। बट फोर्थ के अंदर कुछ तो कार है, उसके बाद 3 नंबर के अंदर टेस्ला है, उसके बाद नेक्स्ट सुप्रा है। हमको लग रहा है 4 नंबर शटर के अंदर जो मास्टैंग हो सकता है हमको लग रहा है, तो पता नहीं इसके अंदर देखो ये थोड़ा मास्टैंग टाइप का लग रहा है, तो लुक भी कुछ ऐसा ही है। बट हमारा जो मास्टैंग है उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो इस कार ऑक्शन के अंदर निसान जीटीआर नहीं ऐड हुआ है, तो देखते हैं कौन सा कार ऑक्शन के अंदर हमको निसान जीटीआर मिलता है। कितनी सारी कस्टमर, देखो कस्टमर का पूरा भीड़ लग चुका है। तो पहले इधर से देखते हैं सुप्रा के लिए कितना पैसा दे रहा है ए भाई साहब। और ये डैमेज है सुप्रा, हमने रिपेयर नहीं किया, बट कोई बात नहीं, 4 लाख के अंदर लगाया इसको 72,000 दे रहे हो, जल्दी इधर से भागो। और देखते हैं ए भाई साहब कितना का प्राइस दे रहा है। और ए भी सुप्रा के लिए आ चुका है और हमको 1 लाख के अंदर सेल करना चाहिए, ये 74 75 दे रहा है, इसको भी नहीं सेल करने वाला है। एक मैडम जी है जो फरारी के लिए आ चुका है और हमको 5 लाख के अंदर सेल करना है, नहीं तो आप लोग को सेल नहीं करने वाले। ये भी 3,29,000 दे रहा है, नहीं जा। और इधर से और एक मैडम जी है, ये भी फरारी के लिए आ चुका है, 3,32,000, इतना कम क्यों। और ये सुप्रा का प्राइस थोड़ा अच्छा दे रहा है, 85,000 दे रहा है, इसको हम बार्गेनिंग के अंदर बढ़ा के 1 लाख करते हैं, देखते हैं इतना में देगा या नहीं, पता नहीं, बट एक बार ट्राई करके देखते हैं 1 लाख के अंदर ये देता है कि नहीं। एंड ये दे चुका है। ओके फाइनली सुप्रा हमारा सेल हो चुका है। इधर से और भी काफ़ी सारा कस्टमर है जो फरारी के लिए आ चुका है, तो 5 लाख के अंदर होगा तो हम सेल करेंगे। और ये दे रहा है 4,30,000, 4,90,000 इसको ऑफर करते हैं, देखते हैं इतना में ये भाई साहब देता है कि नहीं। तो एक बार ऑफर कर रहे हैं, बट ये दे चुका है फाइनली। चलो सेल हो चुका है। उधर से और 2 कार, एक मस्टैंग है और इधर से और एक मतलब फरारी है। तो ये भाई साहब आ चुका है मस्टैंग लेने के लिए और मस्टैंग हमने सिर्फ 40,000 के अंदर परचेस किया था और ये 38,000 दे रहा है, क्यों इतना कम क्यों, जल्दी भागो। उसके बाद और एक मैडम जी है जो फरारी के मतलब मस्टैंग के लिए आ चुका है, तो मस्टैंग बहुत ही अच्छा कंडीशन के अंदर है और देखते हैं ये 42,000 दे रहा है, मतलब इतना कम मस्टैंग का प्राइस इतना कम है क्या, नहीं अभी थोड़ा हम वेट करेंगे, इसको भी हम डोंट सेल करते हैं, थोड़ा हम वेट करेंगे, देखते हैं मस्टैंग कितना में सेल होता है। हमको पता भी नहीं है मस्टैंग कितना में सेल होगा, बट ये जो फरारी लेने आया हुआ ये फरारी थोड़ा डैमेज है और ये 4,28,000 दे रहा है। ओके ओके अब थोड़ा टाइम रुको भाई, अब थोड़ा रुको, ये भाई साहब देखते हैं कितना दे रहा है। और ये भाई साहब जल्दी भाग भी चुका है, तो ठीक है आपको ये ऑफर देते हैं 4,90,000, देखते आप लेते हो कि नहीं। चलो इसको हम ऑफर दे दिया, अभी देखते हैं लेता है कि नहीं। फाइनली हमारा जो कार है सेल हो चुका, टोटल 3 कार हमने सेल किया और हमारा जो अभी $1.5 मिलियन हो चुका है, भाई साहब कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है। और हाँ हमको स्किल पॉइंट एक अनलॉक करना पड़ेगा, और इधर तो नहीं है ना, इधर नहीं, इधर चलता है। और हमारा एक स्किल पॉइंट फाइनली कलेक्ट हो चुका है, तो हम इधर से कौन सा अनलॉक किया जाए, इधर से कार का ही अनलॉक कर लेते हैं। और 2 चाहिए तो नहीं रे, हमारे पास सिर्फ 1 है तो अनलॉक नहीं कर पाएंगे। और इधर से ये सब के लिए भी 2 चाहिए और हमारे पास सिर्फ 1 ही है तो हम कोई भी चीज़ अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी कार ऑक्शन ओपन नहीं ख़त्म हो चुके, हमको लग रहा है 5 बज चुका है और कार ऑक्शन 2 बजे स्टार्ट हुआ था। तो जल्दी चलते हैं, देखते हैं वो जो 4 नंबर शटर के अंदर कार है या नहीं या सेल हो चुका है, थोड़ा चेक करके आते हैं। और हमको लग रहा है सेल हो चुका है और लास्ट कार ऑलरेडी लग चुका है, तो लास्ट कार निशान जीटीआर या कौन सा कार, अरे कौन सा कार चमक रहा है, अरे भागो रे, अरे भागो रे, बीटिंग करते हैं। जीटीआर आ चुका है, निशान जीटीआर, ओ भाई चलो रे हमको चाहिए 5 लाख, 5 लाख लग चुका है, ठीक है हमारे पास अभी पैसा बहुत सारा है। निशान जीटीआर, ओ माय गॉड भाई हमारा गेम रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई, पहली बार यार हमारा गेम के अंदर निशान जीटीआर आ चुका है और हमने परचेस करने वाला है। भाई साहब क्या खुश हो रही है, ओ भाई हमारा भाई हम फाइनली हमको मिलने वाला है निशान जीटीआर। अभी 6 लाख मतलब 7 लाख जा चुका है, चलो कोई बात नहीं 7 लाख के अंदर मिल चुका है हमको। ओ भाई साहब
निसान जीटीआर। हमने पहले बोला था कि हमारा गेम के अंदर अभी तक हमको निसान जीटीआर नहीं मिला, और 57 डे भी हो चुके अभी तक हमको नहीं मिला, बट फाइनली 59 डे के अंदर, 59 डे के अंदर हमको मिल चुका है निसान जीटीआर। पहली बार हमको मिला निसान जीटीआर, यार क्या खुश। और वो कार को जल्दी टो करते हैं, और इसको हम फुल्ली मॉडिफाई करने वाले हैं, और इसको ही हम ड्रैग रेस के अंदर लेके जाने वाले हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ड्रैग रेस के लिए बेस्ट बेस्ट कार है, बट निसान जीटीआर हमको लगता है सबसे बेस्ट है रेसिंग के अंदर, मतलब ड्रैग रेसिंग के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही फास्ट है। तो देखते हैं अभी इसके अंदर ड्राइव करके अभी कित आ इधर क्यों नहीं आ रहा है, एंड ओहो इधर है वो, इधर इसका स्टीयरिंग मतलब राइट साइड का अंदर है, और सभी का उधर से लेफ्ट साइड का अंदर है। ठीक ठीक है, तो पहली बार हम इस कार के अंदर है निसान जीटीआर के अंदर। तो भाई आप लोगों को अभी तक निसान जीटीआर मिला या नहीं कमेंट से कमेंट करना, मेरे को तो पहली बार मिला है। और इसका साउंड क्वालिटी क्या है यार, ओ भाई नहीं रे, डैमेज हो गया पहली बार, वो क्या फास्ट है भाई साहब। नहीं, रुक जा 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 रुक जा। ड्रिप किट लगा हुआ, इसको फुली मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसको लेके ही चलता है सोने के लिए। और हमारा इधर से छोटा सा, अरे यार इतना ज्यादा ड्रिप हो रहा है ना, क्या बताओ, इसके अंदर ड्रिप किट लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, अभी जल्दी भाग के चलते हैं सोते हैं, नेक्स्ट डे इसको फुली मॉडिफाई करेंगे। और उससे पहले थोड़ा चलता है ड्रैग रेसिंग के अंदर, उधर से ड्रैग रेसिंग के अंदर कोई अच्छा कार आ चुका है, तो उसके साथ ड्रैग रेस करने वाले हैं, और कार बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ओके हम फाइनली आ चुका है ड्रैग रेसिंग के अंदर, एंड इधर से काफी अच्छा अच्छा कार आ चुका है ड्रैग रेसिंग के अंदर। पहली कार आ चुका है पोर्शे, ऑलरेडी हमारे पास है, हम लेके आएंगे तो वेटेज कार खेलने वाला है। सेकेंड कार आ चुका है फरारी ट्रिपल एक्स वाला मॉडल जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसके साथ भी हम ड्रैग रेस खेल पाएंगे, और वेटेज कार खेलने वाला है इधर। और थार जो कार है इधर से ऑडी R8 आ चुका है, बट हमारे पास ये वाला कार अभी तक नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक परचेज नहीं किया था। बट इसके साथ भी हम लोग ड्रैग रेस खेलने वाले हैं, बट इस एपिसोड के अंदर नहीं, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इस सभी कार के साथ हम ड्रैग रेस खेलने वाले हैं। तो आज का एपिसोड इधर ही एंड करते हैं, आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कर देना। हमारे पास जो जो कार है वो सब कार लेके इधर आएंगे, उसके साथ ड्रैग रेस खेलेंगे, तो ये सब कार को हम हरा पाएंगे या नहीं कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कर देना। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सभी को मिलने वाला है साउट आउट, तो मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।